नमस्कार, आप देख रहे हैं जी ई न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर प्रखंड और बरियारपुर पूर्वी में उपस्थित है नव निर्वाचित मुखिया कृष्णा सहनी जी के आवास पर, और मैं आज दर्शकों को जो बात बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको खुशी से झूम भी उठेंगे और अचंभव भी होगा कि ऐसा कैसे हुआ। और ये हुआ ही नहीं बल्कि साक्षात आपका सबूत दिखाएंगे। जिस मुखिया के दरवाजे पर हम हैं, आप देखिए कि उनके घर पर जो है कैटरन भी शुद्ध नहीं है, और ये तर तिरपाल से थोड़ा सा इधर दिखाइए, कैमरा मैन इधर दिखाइए, ये तर तिरपाल से इनका जो है जीवन गुजर बसर होता है। और इस पंचायत की जनता ने इन्हें जो आशीर्वाद दिया है, पिछले चार बार से ये मुखिया चुनाव लड़ चुके हैं, किसी ने सही कहा है कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती, संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती और ना संघर्ष करने वाले की कभी जीत नहीं होती। यस, यहाँ लागू होता है। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, 2-4-5 लाख रुपया जो है मुखिया के चुनाव में खर्चा कर देते हैं और हार जाते हैं तो दिल्ली बम्बई या कलकत्ता चल जाते हैं कमाने के लिए, लेकिन जनता के बीच से गायब हो जाते हैं और फिर जनता भी अगले 5 वर्ष में उनको भूल जाती है। लेकिन यह बेचारा जिस व्यक्ति के सामने हम खड़े, साधारण सा आदमी है, ये बिस्लखा वाला मुखिया नहीं है, गर्दन वर्दन में कुछ नहीं है, देख लीजिए एकदम खाली है, डोरा वोरा है बेचारे का, ठीक ना। आजकल जो है बिस्लखा वाले मुखिया लोग को हम देखते हैं कि यहाँ पर पता ना सोने का चैन रहता है कि झूठा चैन रहता है, वो हम देखे नहीं है, तो सुनारे चिनेगा लेकिन चैन ही आ रहेगा। और वो जीत के जो है ना, वो 20 लाख वाले गाड़ी से घुसे, 20 लाख वाले गाड़ी में घुसेंगे, वो जनता के नौकर होंगे, जनता के पास साइकिल नहीं है और उनके पास, उन नौकर के पास 20 लाख की गाड़ी पहले से रहती है। और वैसे ही लोगों को जो है जनता चुन भी रही है, और जनता मालिक है, कुछ भी कर सकती है, उसके लिए आज़ाद है, उसके लिए कोई सोच नहीं है। लेकिन जहाँ की जनता ने इनको चुना है, मैं उस जनता को धन्यवाद दूंगा, मैं बरियारपुर पूर्वी के सभी समुदाय की जनता को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने सही चुनाव किया है और बिहार में बदलाव का चुनाव किया है, और बदलाव साक्षात सामने आपको दिखाई दे रहा है। और दिखाई क्यों दे रहा है, क्योंकि गरीबों को पहली बार मौका मिला मेरे नज़र में, चूँकि मैं बहुत सारे मुखिया का इंटरव्यू लिया हूँ, उसमें मुझे जो दिखाई दिया है वो इन, ये सामने साक्षात हैं। इनके पास जो है किसी को चाय पिलाने का पैसा नहीं था, हमने भी कई बार न्यूज कवर किया लेकिन हम भी इनका चाय नहीं पी पाए हैं, चूँकि इनके पास पैसा ही नहीं था, और लोगों ने इनको सहयोग करके इस बार जो है, और इस पंचायत में इतना ही नहीं कि यहाँ अमीर लोग खड़े नहीं थे, इस पंचायत के अंदर में 20-20 लाख, 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपया खर्च करने वाले लोग, अब बिस्लखा गाड़ी वाले लोगों को यहाँ की जनता ने उठाकर, बगल में वो नदी है यहाँ पर गंडक बूढ़ी नदी है, उसमें उठाकर फेंक दिया और इनको उसमें से निकाल कर बाहर कर दिया कि नहीं आप पंचायत में आप संभालिए, और पंचायत का नौकर आप ही के जैसा होना चाहिए कि आपको अगर कोई दो बातों बोलेगा तो आप जो है बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन मोटका मोटका चैन वाला तो जो है ना आदमी भेज के पिटवा देगा। आप कृष्णा जी हमारे चैनल पर आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाएगा। आपको भी धन्यवाद। आप अपने जीवन के बारे में शब्दों में संक्षिप्त में बताएं कि जनता में गरीब जो चुनाव लड़ रहा है उसके अंदर की जो है ना ज्वालामुखी फिर से जग जाए, वो हार ना माने। जी, मैं 2001 से चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं तीसरा चुनाव है, जनता ने मुझे विश्वास किया मुझ पर, पैसे वालों को झाड़ू से खदेड़ कर हटा दिया, मुझ में विश्वास किया। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो मैं जिस निस्वार्थ से जनता ने इस बरियार पूर्वी को मुझे वोट दिया है, उसी निस्वार्थ से मैं पूरे पंचायत का सेवा करूंगा। और मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू बोला था कि मैं ऐसा मुखिया नहीं होऊंगा कि मेरे दरवाजे पर दरबार लगेगा। आप बोले भी हैं। जी, तो मैं आपको, आप तो मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं कहाँ था तो आपको मालूम है। जी जी, आप पंचायत में, जनता के पंचायत में थे। इन्होंने मेरा एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं पहला मुखिया होऊंगा कि जनता मालिक के दरवाजे जाऊंगा, और मैं आज देखने भी आया कि ये जीते हैं तो जनता के दरवाजे पे हैं कि अपने दरवाजे पे हैं। तो ये सच्चाई है कि 20 मिनट लगा मुझे यहाँ बैठने में और इनको बुलाने में, और ये जनता के दरवाजे पे ही थे, अपने मालिक के दरवाजे पे थे। आगे और मैं सब दिन अकेला घूमा हूँ, मुझे किसी अधिकार अलाव लश्कर की जरूरत नहीं है, आज भी मैं जनता से मिल रहा हूँ सिर्फ अकेले, मुझे किसी चीज का डर भय नहीं है, हमारा जनता का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, तो मुझे किसी चीज का डर नहीं। क्या बरियारपुर पूर्वी की जो दशा है वो बदल जाएगी कि जस का तस रहेगा?
जी मैं जनता मुझे इसलिए जिताया है बरियापुर पूर्वी की तस्वीर बदलने के लिए, नहीं इसको डुबाने के लिए। तो इसको मान लिया जाए कि आपके रीजन काल में एक भी जनता आपसे दुखी नहीं रहेगी। जी मेरे रीजन काल में एक भी जनता दुखी नहीं रहेगी, अगर दुख होगी तो मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसका वादा भी आप हमारे मैंने किया हुआ। कृष्णा जी एक ऐसे कर्मठ मुखिया है कि जो जुझारू है 15 साल से जनता के बीच में लड़ते हुए और जन संघर्ष करते हुए, इनके पास पैसे नहीं है और कोई धनी नहीं है, 15 साल से लगातार बरियारपुर जनता की सेवा किए हैं और जनता ने इनको मौका दिया है, और मैं तमाम बिहार के जितने भी ऐसे निर्धन प्रत्याशी हैं वैसे प्रत्याशियों से आग्रह करूंगा कि आप स्वार्थ के भाव से जो है ना जनता के बीच में नहीं आइए, निस्वार्थ के भाव से जनता के बीच में आइए और संघर्ष करते रहिए। जनता हर किसी को मौका देती है जिसका सबूत है, संघर्ष करते रहिए और दिल से संघर्ष कीजिए, आपको मौका मिलेगा, चाहे आपका क्षेत्र मुखिया का हो, चाहे आपका क्षेत्र विधानसभा का हो, चाहे आपका क्षेत्र जिला परिषद का हो, चाहे वो आपका क्षेत्र जो है किसी भी जनप्रतिनिधि का हो, लेकिन उसको बिजनेस समझकर नहीं आइए कि 20 लाख रुपया खर्चा करेंगे जीत जाएंगे तो 40 लाख कमा लेंगे। और ऐसे लोगों को जनता मौका देती है। मेरा न्यूज आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग, धर्मचंद यादव, जी ई न्यूज, बिहार। जिस प्रत्याशी की बात हम जनता के बीच में करने जा रहे हैं, आपको बताते हैं कि यह प्रत्याशी कितना गरीब है, और इतना गरीब है कि जिनके घर में गैस सिलेंडर भी आज नए युग जिसको बोलते हैं गैस सिलेंडर भी नहीं है कि खाना पकाया जाए, और इनके घर के जो लोग हैं वह लकड़ी गोइठा देहाती जो रूपरेखा है उसमें जो है अपना खाना पीना बना रही हैं। मैं ये चीज़ इसलिए दिखाने जा रहा हूँ कि इनकी गरीबी को दिखाने जा रहा हूँ, और गरीब के लड़का जो चुनाव लड़ता है और हार मान जाता है उसको नहीं, हारने के लिए दिखाने जा रहा हूँ। आइए हम इनके घर के पूरे दृश्य को दिखा रहा हूँ कि किस तरह के हमारे मुखिया जी का घर है। ये जिस घर में हम लोग घुस रहे हैं, ये घर जो है अंदर आइए, कौन है आप इनकी? भाभी। आप भाभी हैं? क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, उर्मिला जी मुखिया जी की भाभी हैं। और ये जो है देखिए इनके घर पर खाना जो बन रहा है आज के युग में, प्रधानमंत्री जी गैसो मंगनी में दिए हैं लेकिन मुखिया जी को कुछ नहीं मिला है। कौन है आप? पत्नी है। आप पत्नी है तो ये ना बताइए घर तरह आपका मर्द मुख जाना हो गया है। मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय रघुवंश बाबू थे जो अभी नहीं रहे, मैं उनके आदर्शों पर चलता हूँ, चलता रहूँगा। मैं उनकी आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ये जीत गरीबों का जीत हुआ है, गरीबों का जीत हुआ है, इनका जीत नहीं हुआ है। गरीबों का जो है सब चीज में बहुत भूमिका रहा है। मैं इस जीत के लिए बहुत खुश हूँ कि ये एक रुपया खर्चा नहीं करते हुए भी गांव के लोग जो है एक एक मत अपना देकर जो है सब भारी मतों से विजयी बनाए। आप देख रहे हैं कृष्णा सहनी जी, कृष्णा सहनी जी जो है अभी थोड़ा सा भावुक हो गए, इनके आंखों में पानी भी आ गई है। और इनके आंखों में पानी क्यों आई है मैं दर्शकों को बताऊंगा। आरजेडी के कर्मठ नेता और वरिष्ठ नेता स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद के आदर्श पर ये आज तक अड़े रहे और अपने राजनीतिक गुरु उनको आज भी मान रहे हैं, और उनका नाम लेते लेते इनके आंखों में पानी आ गई, उनके आत्मा को शांति दे रहे हैं और शांति की प्रार्थना कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं आपकी सोच में आज जो है कामयाब हो गया। यहाँ की जो स्थानीय जनता है क्या कहेंगे बरियारपुर की जनता को? बरियारपुर जनता को मेरा सर्वनीय प्रणाम। मैं चाहूँगा कि हमारे आने वाले कलयुग में हमारे कृष्णा जी नेता जैसा हमेशा हो और गरीबों की सेवा हो, यही चाहूँगा। धन्यवाद। गरीबों के लिए सबसे अच्छा नेता है, गरीबों के लिए सबसे अच्छा नेता। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी ई न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।